हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब, मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कम्प्लीट। पीता गलत बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, एक मिनट चाहिए आपसे। तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ, फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब? हेलो। कॉर्पोरेट सेक्टर में? ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर के जवाब है। किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे। फंसे क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। भाई साहब वेरी गुड, पढ़ा लिखा तो है। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है, डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सबसे भी उसकी फंस है भाई साहब? क्या रहती है? फटती है। हाँ, ट्रैफिक में फंसता है, फंस है तो उसकी भी फंस है, फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी पागल है क्या? जब भी फटती है तो भी जब इतनी बार उसकी फंस है, फटती है तो वो सुई धागे का उपयोग क्या जेब में लेकर के चलता है। तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। इनका नाम बैरागी जी, एक मिनट। गलत नहीं, साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब, एक मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जा धागे माता अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर एफ से लॉकिंग ऑन। लिलारी है? लिलारी, तुम्हारी प्यारी लिलारी चिट्ठी के बाद लिखा है। रेड एफ एम बजाते रहो। बहुत बढ़िया, एफ से लॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ हाँ, तो मोबाइल से जोड़ा है अपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? बउआ बोल रहा हूँ, एक मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। मैं एक मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, एक मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है, उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है, सेक्स? मेल। नहीं नहीं, किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? सॉरी सॉरी। कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो, ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकित जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। ना अरे कुछ तो बोल। आप बोले हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना ना। सॉरी मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था आपका जो हेलो फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है। हाँ है, है? आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ, नहीं लिंक्ड। लिंक्ड है तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना, तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़ रहे हैं? तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? एक सेकंड लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है, सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप, पूछ भी तो तू ऐसे रहे, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी शादी? हाँ शादी। शादी नहीं की अभी। अच्छा बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या?
तो अभी तो आपने बोला ना शायद सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछने ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है साला। सुबह सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ बड़े हो गया। हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा जाबड़ मारूंगा, कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड, औकात में। इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है पहले तो? आपसे एक मिनट भाई, तू मुझे बता क्यों रहा है? एक सेकंड में बता दूं, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे कैसे कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए, इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े। वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन? कौन एनवायरमेंटलिस्ट? वेंटलिस्ट कौन? कौन? तू भी नहीं बोल पा। एनवायर्ड एनवायरमेंट मेंट लिस्ट। अच्छा बोल, एनवायर्ड एनवायरमेंट लिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट मेंटलिस्ट भाई साहब, वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा पैकेट। तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन, मेरी अब एक मिनट मेरी बात सुन ले, एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने नहीं फोड़ रखी, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा भाग जाओ यहाँ से, फोन रख दे चल, चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एनवायरमेंटलिस्ट। हेलो, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं गलत बात, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? हेलो, एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी, कहते हैं उनकी शर्मनाक हार हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है? जो शर्मनाक का है जाता क्या है? तो सुबह सुबह मैं यही ये बता, फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब, जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में ग्लास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो। ठीक है, शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने, फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या, बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पीठ के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, सडम पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ, और नीचे चल। और नीचे पीठ के नीचे सडम जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी सडम है उसके ऊपर, जंगे के ऊपर, कमर, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, सडम जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। गलत क्यों बोल रहे आप? हाँ नहीं तो सडम तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नियत को आनी चाहिए, किसी को क्या, आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को सडम आनी चाहिए, सिर्फ नाक को सडम नहीं आनी चाहिए भाई साहब, को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका गलत बोल रहे हैं आप।
नॉनसेंस इंसान। गलत 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ये तो सरम कान सॉरी सरम नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल आप लोग। अरे कौन बोल रहा भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग। क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे जी। ये क्या, ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुकू में जो लिखा था एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली का हाय हुकू, हुकू के बाद हुक तो एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है। हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस गाने? की सबसे मुख्य बात ये होती है कि देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती, छुपी रहती, चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैठागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े आप। फंगस जोशी साहब, आप एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गर्म जोशी के भाई फंगस जोशी गए, फोन रखिए आपसे बात ही नहीं करनी हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैठेगी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइन एप्पल और पॉमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। बट एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो हेलो जी, कौन जी? नमस्ते अंकिल, बिजी तो नहीं हो? नहीं बोलो, कौन बोल रहे हैं जी? बउआ बोल रहा हूँ। आपने फोन कहाँ लगा रखा है? कान पर लगा रखा है। थोड़ा सा कान से नीचे लेना फोन। क्यों? एक सेकंड, ठीक है? चाहिए। ओके चलो बाय, रख दो। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट, नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब, मैं क्या करूंगा, तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट, गलत बोल रहे भाई साहब। हेलो हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा है, मैंने ही काट दे सारे। मैं पूछ रहा था अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई? गलत नहीं, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल जल्दी बोल, फोन काट दे चल। क्या? फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को। क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा है। तू काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा, पता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ ऐसे चल। तू काट नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? मैं बैठा रहूंगा, मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। लैंडलाइन से कर सुनना। हेलो हाँ, बोल बोल, फोन काट दे। हेलो हेलो, कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन? मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना, तू काट। मैं तेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे
तू काटेगा फोन? नहीं काटूंगा मैं। नहीं तू काटेगा? नहीं मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सुबह सुबह फोन करके। हेलो सुन। हाँ, हाँ, सुन बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरी अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही, तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? अच्छा रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब। हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। बाबा बाट तेरे ची 93.5 रेड एफएम भैया तेरे फोन काट गया अंकिल। नमस्ते बहुआ बोले। हेलो 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 आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे एक मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों क्यों क्या सबका जवाब मैं दे दूंगा? हाँ बोल। कौन रहा? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट चाहिए। कौन बहुआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, एक मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मिनट मतलब सच में एक मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना ठीक है भाई, बोल। सॉरी सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये बस कर यार, आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है आपको फोन पीछे। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब एक मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका एक मिनट ले लेता है। 3 2 1 0, जैसे मैंने एक मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा एक मिनट ले ली। यार तू क्या गलत, डेढ़ मिनट यही बकवास में वेस्ट कर दिया। यही तो मैं क्या? यही मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3 मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 नहीं नहीं बात ना पूरी 21 22 23 24 बिल्कुल गलत। बड़ा 30 29 28 27 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक एक सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय, बंद कर दे भाई। हेलो हेलो कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का, ऐसे पड़े रहे बस। अब तो पड़ा रहे, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं बहुआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो अब हाँ या ना बोलने का मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, दो चार सब बंद कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे ओ पागल हो गया तू भाई साहब। पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों क्यों पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। मैं तेरी साले सर तोड़ दूंगा भाई साहब। सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा। हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे ओ तू पागल हो गया है क्या? जब एक जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप एक से फिर आप बोलोगे मैंने इसको सर तोड़ दिया, फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं मैं बोलूंगा इसने फोड़ा इसको पकड़ लो।
अच्छा मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले देगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? भाई साहब आगे मन नहीं है भाई साहब, ठीक है भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, सुनिए ना प्लीज आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान। किसान? अच्छा फार्मर। हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता है, किसान का काम ही होता है ये, है ना? और इसके हाँ। लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है वो हाँ। सुबह उठकर उसने क्या किया अपने हाँ। खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने दो रोटी खाई। हाँ हाँ। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। हाँ हाँ। आराम किया, फिर शाम तक हाँ। मेहनत की। हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सो रहा तो तू के एक बात क्या हो गया तेरे को, सीसी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या बता, ये बता आगे क्या है? आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे तेरी तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना, तो बस वही वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिड़ी क्यों? क्या बता रहे मुझे? हेलो शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था तेरी बकवास सुन सुन के। नहीं है मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अब साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। सॉरी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार हाँ, पड़ गए हाँ, हाँ। तो क्या है ना फिर आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए हाँ। इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए फिर इग्नोर किया, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं दिक्कत। सॉरी अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए अस्पताल में। सॉरी अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं। और क्या लाए? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज खरबूज। हाँ तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना अस्पताल में, तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है? कोई और फल बताइए भाई साहब। खरबूज ले आएंगे, खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। सेब हो गया, केला हो गया। हाँ सेब, सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे भाई साहब। तूने गलत बोल रहे हैं आप, एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे। एप्पल और सेब सारे तेरे ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे गलत आदमी।
अस्पताल में तड़बू, सॉरी अस्पताल में तड़बूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजा चढ़ा की नमस्ते बहुआ बोलियो। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बहुआ है। हेलो हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना? गलत नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी, किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए? बैठा एक व्यक्ति के लिए। हरी के पिताजी का नाम दर्शन। हरी के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन, मैं एक मिनट, हरी के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड, क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरी की वो लाइन होती है। कैसे? हरी आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th October। हरी ऑफर्ड वैलिड टिल 15th October। मेरे बेटे हरी ऑफर्ड क्या लगा रखे जब एक में भाई साहब आप इनका नाम बैरागी, ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब, बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या? गलत आदमी बात कर रहा है, इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरी को बुला रहे हरी वैलिड ऑफर टिल, जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के क्रश नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपरी लिपोली कहती है गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज एलएल लुपरी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। नमस्कार अंकिल बउआ बोल रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी। तो बउआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी, कोई कुछ भी बोलता था डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है, फिर वो अलाहाबाद गया। फाइनल लाइन उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि निया तरीफा चाहिए दिया तन, कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 जी, जी करने का। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस। हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ? 93.5। अच्छा, उसमें तीन नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है, जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी, जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो अलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था। नो मींस नो,
इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बहुआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मींस नो नो